नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शरीर का पोस्चर सही रखकर हम तमाम समस्याओं से बच सकते हैं। मोबाइल कंप्यूटर पर झुककर हम रीढ़ पर 27 किलोग्राम वजन डालते हैं और हर 20 मिनट में 20 सेकंड का हमें ब्रेक लेना चाहिए। पूरी खबर देख लेते हैं। कोरोना काल के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल और ऑफिस में कंप्यूटर पर काम का समय बढ़ गया है। हम दिन भर मोबाइल कंप्यूटर में सिर झुकाए रहते हैं। ऑस्ट्रेलियाई काइरोप्रैक्टिक एसोसिएशन ने नए शोध में दावा किया है कि हम इसी तरह इन डिवाइस का अधिक इस्तेमाल करते रहे तो गर्दन पीठ में कुबड़ निकल सकता है। वैज्ञानिकों ने इसे टेकनेक नाम दिया है। इस स्थिति में रीढ़ की हड्डी को झुकाव का सामना करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के रीढ़ विशेषज्ञों के मुताबिक जब हम गर्दन आगे 60 डिग्री झुकाते हैं तो रीढ़ पर 27 किलोग्राम वजन डालते हैं। सिडनी की लेखिका टूडी येपी कहती है कि रोज 12 घंटे काम करके गर्दन में कुबड़ जैसी स्थिति आ गई थी। सिर दर्द भी रहने लगा था। हफ्ते में 70 घंटे काम करने से बिस्तर पकड़ने की नौबत आ गई थी। रीढ़ विशेषज्ञों की सलाह पर टूडी ने 8 हफ्ते तक रीढ़ गर्दन के अभ्यास किए, ऑफिस में पोस्चर सुधारा, स्ट्रेच किया, तब जाकर पुराना स्वरूप हासिल कर पाई। ऑस्ट्रेलिया में वयस्कों पर हुए शोध के मुताबिक 42% वयस्क गर्दन दर्द से परेशान थे। इतने ही लोग गर्दन अकड़ने की समस्या से जूझ रहे थे। 36% को सर में दर्द और 25% लोग माइग्रेशन से परेशान थे। करीब 1/3 ऑस्ट्रेलिया वयस्कों ने कहा कि वे हर घंटे 5 से 30 बार मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। 10 में से एक ने माना कि वह ऐसा 40 बार तक करते हैं। विशेषज्ञों ने इन्हें हर 30 से 60 मिनट में जगह से उठने व घूमने के लिए कहा। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे बचे मोबाइल पकड़ने का सही तरीका तत्काल सुधारते हैं। हर 20 मिनट में 20 सेकंड का ब्रेक लें। फोन या कंप्यूटर प्रयोग करते हुए हर 20 मिनट में 20 सेकंड का विराम लें। खड़े हों और चलें या फिर स्ट्रेच करें। मोबाइल को आंखों के स्तर पर लाएं। फोन की स्क्रीन को आंखों के स्तर पर लाएं ताकि सिर आगे ना झुके, न ही ऊंचा हो। रीढ़ को सीधा रखें ताकि कंधे एक सीध में हो। सोने का तरीका सुधार लेते हैं। दोस्तों, अगर हम पेट के बल सोते हैं और गर्दन में दर्द होता है तो सीधे या करवट से सोएं। पेट के बल सोने से बचने के लिए तकिए सटका कभी भी सो सकते हैं। कनाडा के ऑस्टियोपैथ ब्रांडन टैबलेट के मुताबिक पोस्चर ठीक करने के लिए गर्दन का व्यायाम कर सकते हैं। दोनों हाथों की अंगुलियों को इंटरलॉक कर सिर के पीछे रखें, दीवार की तरफ मुंह कर कोहनियों को दीवार से टिकाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं। इससे रीढ़ का पोस्चर सीधा होगा। दोस्तों, इस तरह की न्यूज़ एंड फैक्ट्स मैं इस चैनल पर डालता रहता हूं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।